हेलो फ्रेंड, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। मैंने इससे पहले भी सीमेंट पर बहुत सारे वीडियो बनाया हूं, एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीमेंट पर कि सीमेंट बनती कैसे हैं से लेकर डिस्पैच कैसे होती है, उसमें कौन कौन से कॉन्टेंट होते हैं, क्या उसमें मिलाया जाता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं, साथ ही साथ कौन सी सीमेंट आपको परचेस करना चाहिए और ओपीसी वेटर है या पीपीसी वेटर है, ये सारे वीडियो मैं आपको बनाकर बता चुका हूँ और बहुत ठीक तरीके से लगभग मेरे हिसाब से मुझे जितना आता है उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप हमें बेस्ट सीमेंट ब्रांड के नेम बताइए, वो टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते। इससे पहले के वीडियो में भी मैं बताया था कि आपको टीसी देखना चाहिए लेकिन उन्हें ब्रांड के नेम चाहिए कि आप ब्रांड के नेम बताएं। तो मैं आज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको कौन से ब्रांड का सीमेंट खरीदना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधा हम वीडियो में चलेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथ ही साथ आप हाउस प्लानिंग का एक चैनल स्टार्ट हो चुका है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सीमेंट। सीमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बताया था आपको कि ओपीसी, पीपीसी, स्लैग सीमेंट ये सारे होते हैं। हर एक कंपनी यानी कि जो भी कंपनी है ये सभी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन अगर हम अपना सिंपल मकान बनाना चाहते हैं और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है कि हम कौन सी सीमेंट लें, तो सबसे सिंपल सा आप समझ लीजिए कि आपको अगर स्पीड से वर्क करना है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आपका खुद का घर बन रहा है और आपको तेज़ी से वर्क करना है तो आप ओपीसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेटिंग टाइम जो है अच्छा होता है और ये सेटिंग जल्दी होने के साथ साथ इसके वर्क प्रोग्रेस जो होते हैं यानी कि हम वर्क इसमें फास्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे एडवांटेज इसके हैं, वो आप पूरा वीडियो देखेंगे या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ पीपीसी कहाँ और स्लैग बाकी सभी सीमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ। देखिए जो सीमेंट है उनमें यहाँ पर एक रीजनल पॉइंट भी होता है ये कि जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, जो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट एक तो सिर्फ पूरे इंडिया में चलते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या फिर कुछ ऐसे ब्रांड की सीमेंट कंपनी है जो सिर्फ हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, एक स्टेट में, कि सिर्फ वो उस स्टेट तक सीमित है और उस स्टेट में यूज़ होती है। मैंने अभी तक जितने कंपनियों की सीमेंट यूज़ किया हूँ या फिर जितने ब्रांड का मुझे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, मैं उन सीमेंट कंपनियों के बारे में आपसे बात करूंगा आज। अगर हम ए ग्रेड की बात करें और बी ग्रेड की बात करें, दो ही ग्रेड में बात करेंगे हम, ए ग्रेड और बी ग्रेड। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि कुछ ऐसे ब्रांड की सीमेंट भी हैं जो कि प्रीमियम ब्रांड होते हैं और बहुत अच्छी कंपनी होती है, उनसे भी अच्छा देते हैं, जो कि सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित है, जो सिर्फ एक स्टेट में बनाते हैं। जैसे कि बात कर लूँ मैं अगर गुजरात की, तो गुजरात में आपको हाथी सीमेंट मिल जाएगी, रिद्धि सिद्धि सीमेंट मिल जाएगी। आप सौराष्ट्र साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको कमल सीमेंट मिल जाएगी, सांगी सीमेंट मिल जाएगी, फिर आपकी अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, वंडर, बांगर जो भी हैं वो सभी सीमेंट मिल जाती है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आपको मैहर में एक जेकेएस का मिल जाएगा, जेएसडब्ल्यू या फिर केजेएस सीमेंट, ये भी आता है। उसके साथ साथ अगर हम जैसे कि उड़ीसा साइड जाते हैं तो कोणार सीमेंट आता है। उसके बाद हमारा साउथ में बहुत सारे ब्रांड हैं, तो ये इस तरीके से हमारे बहुत सारे हैं जो स्टेट तक ही सीमित है, ये या तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते या फिर ये अपना एक्सपांड नहीं कर पाते, इनका ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है, इस कारण ये वहीं पर अपनी क्वालिटी भी अच्छी रखते हैं और प्रोडक्ट भी अच्छा देते हैं। तो हम अभी ए ग्रेड की बात कर रहे हैं, अगर आप ए ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी तीन ब्रांड यहाँ पर रख सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझ लेनी चाहिए, मैं यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड की जो सीमेंट है यानी कि रूफ प्लस, कंक्रीट प्लस या फिर हमें बेदर प्लस मिलती हैं और भी बहुत सारी जो हमें माइक्रोफाइबर वगैरह जो मिलती है, मैं स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल सामान्यता ब्रांड आते हैं और सामान्य सीमेंट आती है हमारी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप कौन सी कंपनी की खरीद सकते हैं। इनके रेट जो हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, लगभग 350 के आसपास रहते हैं,
अब बाकी इनका टाइम टू टाइम कम ज़्यादा होते रहता है, वो आप अपने मार्केट के हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा कम होगा और कौन सा ज़्यादा होगा। इनमें ए ग्रेड आपको ही मिल जाएगी, अल्ट्राटेक, अंबुजा और ACC। इसके बाद हम बात करें ए ग्रेड और बी ग्रेड के बीच में, अगर हम बात करते हैं तो हमें जेके लक्ष्मी यानी कि जेके यानी जेके सुपर और जेके लक्ष्मी, उसके बाद आपको नोवोको यानी कि लाफार्ज जो पुराना था वो मिल जाएगा आपको। इन दोनों के लगभग इनको बीच में हमें मानना चाहिए, ए ग्रेड और बी ग्रेड। अब बी ग्रेड की बात करें हम तो बी ग्रेड में हमको बिरला उत्तम, बिरला चेतक, MP बिरला, उसके बाद और भी होते हैं दूसरे जो बहुत सारे, अगर इन ब्रांड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी ब्रांड होते हैं आप बी ग्रेड में मान लीजिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि कुछ जो मिनी प्लांट है वो ए ग्रेड से बेटर नहीं हो सकते, वो हैं। इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया था कि आप उनकी टेस्ट सर्टिफिकेट देखें और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन से ब्रांड की सीमेंट यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि इसकी टेस्ट सर्टिफिकेट जो है आपको मंथली मिलेगी, वीकली अवेलेबल होती है और ये हमेशा आपको आती है, क्योंकि सीमेंट और सरिया यानी कि लोहा बिना टेस्ट हुए प्लांट से नहीं निकलता। तो आप जिस भी डीलर से खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं, एक बार टेस्ट सर्टिफिकेट आप चेक कर लें कि इसका सेटिंग टाइम क्या है, क्योंकि ये सभी दिन की अलग आती है। और देखिए ये सभी बनती हैं लाइम स्टोन से यानी कि चूना पत्थर से। अब अगर मान लीजिए उस जगह का चूना पत्थर अच्छा नहीं होगा तो वो बहुत अच्छे ब्रांड की हो या फिर बहुत बड़ी सीमेंट हो, वो सीमेंट भी आपकी कमज़ोर ही बनेगी या फिर अच्छी नहीं निकलेगी, ये चीज़ आप बिल्कुल जान लीजिए। तो इसी कारण मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी की सीमेंट जो है वो हर जगह अच्छी हो, कुछ जगह अगर उसके प्लांट में प्रॉब्लम है या फिर गलती है वहाँ पर के चूना पत्थर में कह सकते हैं, लाइम स्टोन में, तो हो सकता है कि वो बेकार निकल जाए, या फिर हो सकता है हमेशा वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपके जब स्लॉट आएगा या डिस्पैच जब भी हुआ है आपके समय में, हो सकता है उस समय में वो बेकार हो जाए उसका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। तो ये चीज़ आप टेस्ट सर्टिफिकेट से ही पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वीडियो में कुछ जानने को मिला हो। अगर आपको कुछ और बेटर लगता है कि कुछ और हो सकता है आपके एक्सपीरियंस, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, या फिर आपके यूज़ या एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा आपने यूज़ किए हैं और वो ठीक है, ये आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं हमें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।